सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो ये फिटनेस का पहला पॉडकास्ट है इंडिया ये का। इंडिया का फिटनेस का फर्स्ट पॉडकास्ट है जहां सिर्फ साइंटिफिक बातें होती है। तो आज का हमारा आपके पास टॉपिक ही है मसल सोरनेस और टॉप 5 सप्लीमेंट्स कि कौन फॉर से बेटर लेने चाहिए, रिकवरी। हाँ, फॉर बेटर रिकवरी। तो मसल सोरनेस क्या होता है एग्जैक्टली? तो मैं पहले सत्यम से पूछना चाहूँगा कि एग्जैक्टली है क्या मसल सोरनेस? देखिए आप समथिंग न्यू मतलब कुछ भी आप नया करते हो जो मसल मेमोरी नहीं बनी रहती है, मतलब डेट माइक मीन्स को कि थोड़ा ऐसे पकड़ो, आप अभी ऐसे क्या कर रहे हो, ऐसे पकड़ो। हाँ जैसे आप वर्कआउट में कभी कभी इंटेंसिटी चेंज करते हो, मतलब थोड़ा सा हाई इंटेंस करते हो तो फिर भी मसल सोरनेस आता है। देन आप फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो तो मसल सोरनेस आता है। समथिंग न्यू अगर बॉडी आप कुछ नहीं है, मतलब पैटर्न चेंज कर दो एक्सरसाइज के तो फिर भी मसल सोरनेस आता है। मसल सोरनेस अगर आ रहा है उसे हम इंटेंसिटी को नहीं मेजरमेंट कर सकते बिकॉज ऑफ वो एक मसल मेमरी है। हाँ तो अभी मेरे कुछ नॉर्मल लाइक बेसिक क्वेश्चन है जो हर क्लाइंट, आपके भी क्लाइंट पूछते होंगे, आप दोनों के मेरे भी क्लाइंट्स पूछते हैं। तो किसी किसी को तो सोरनेस से प्रॉब्लम होता है कि भाई बॉडी सोर हो गया यार अविनाश, मैं तो आज आ नहीं पाऊंगा। या कोई कोई कंप्लेन करते हैं कि यार सोर नहीं हो रहा है। तो क्या एग्जैक्टली मतलब आपका ये वर्कआउट कैसा होना चाहिए, कि मतलब आपको सोरनेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये सबसे देखिए मेन है। ये बॉडी टाइप टू टाइप मतलब डिपेंड करता है, बॉडी टाइप पे भी डिपेंड करता है। किसी को सोरनेस होती है, किसी को नहीं होती है। आपको याद होगा जब आप फर्स्ट बार आप लेग्स का वर्कआउट किए थे तो कितना ज़्यादा सोरनेस रहता है मेरे और को अभी काफ़ी भी होता है, टाइम। मैंने कल बैक किया तो हाँ मुझे तो और सोर किसी है। किसी को नहीं होता, किसी किसी को होता है तो शॉर्ट टाइम के लिए शॉर्ट होता टाइम के है। लिए होता है वो, आपके तो रिकवरी के ऊपर वो डिपेंड आपकी करता रिकवरी है। पे डिपेंड करता है, आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है, देन आपके बॉडी टाइप पे भी डिपेंड करता है। ओके, तो आपका क्या कहना है हेमंत सर, इसमें आप कुछ बोलना चाहोगे, ऐड करना चाहोगे कि मसल सोरनेस सब क्या कुछ बोल दिया, है? क्या मतलब बोलूँ। नहीं, आपको जो अपना पॉइंट रखना है कि कुछ हमारे AI डॉक्टर हैं पॉडकास्ट के। बोलो। अभी वर्कआउट करने वाला करोगे तो मसल सोरनेस तो होने वाला है। जैसे क्या बात है, क्या बात है। प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग करोगे तो मसल सोरनेस होने ही वाला है। और अगर न्यूट्रिशन वगैरह सब ठीक होगा, वाटर इंटेक वगैरह आपका सब ठीक होगा तो फिर इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं हाँ, होने और वाला मुझे है। ऐसा लगता है कि जब आप एक एक पैटर्न को फॉलो करते हो तो तब इतना ज्यादा मसल सोरनेस नहीं होता। जब आप कोई एक्सरसाइज ऐड कर देते हो उसमें हाँ एडिशनल, यानी कोई तो अभी वेरिएशन मसल लिया के क्या होते तो। हैं, एग्जैक्ट बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, बहुत सारे, हाँ बट वो एक एक्सरसाइज से सारे फाइबर्स एक्टिवेट नहीं हो यस। सकते। यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग करते हैं कि अगर आप स्क्वाट्स करते हो तो वाइड स्क्वाट्स करवाते हैं, बोलते हैं इसमें अलग मसल यूज होता है। एक्चुअली वो एक अलग मसल यूज नहीं होता, मसल फाइबर कुछ कुछ अलग वो यूज होते हैं। जैसे आप इंक्लाइन पे करते हो तो अपर क्लाविकल ग्रुप का ज़्यादा ट्रेन होता है। अभी इंक्लाइन डिक्लाइन फ्लैट तीनों पे मसल मतलब चेस्ट के ही मसल यूज होते हैं, लेकिन जब आप 30 डिग्री इंक्लाइन पे करते हो तो आपके अपर क्लाविकल का मसल फाइबर ज़्यादा यूज होता है। डिक्लाइन पे करते हो तो आपको स्टर्नम कोस्टल ठीक है, हेड का ज़्यादा यूज तो होता है। आई थिंक अभी लोगों को पता चल गया होगा जिसको यस भी कि क्या है एग्जैक्टली। मतलब कोई वरी होने वाली बात नहीं है मसल मसल अलग ट्रेन नहीं सोरनेस होता, से। मसल फाइबर कुछ कुछ चेंज होता हाँ, है। मसल सोरनेस लाइक कुछ भी वो टेंशन वाली बात नहीं है ऐसी कि आपको अपना वर्कआउट स्किप करना पड़े या ऐसा कुछ। हाँ, अगर जॉइंट्स में आपके पेन स्टार्ट हो गया है, शोल्डर जॉइंट या एल्बो जॉइंट या नी जॉइंट, वो एक वरी है, बट मसल सोरनेस इज टोटली फाइन। तो नॉट गुड नॉट बैड। नॉट गुड नॉट बैड। सो अब अरे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टॉप 5 सप्लीमेंट्स। तो मैं पहले एक एक करके हेमंत भाई से पहले आप पूछना चाहूंगा कि आपके टॉप 5 सप्लीमेंट्स कौन से हैं और क्यों। एक तो है मेरा EAA, तो आप क्योंकि स्टार्टिंग उस ही EAA से करो, ठीक हाँ है? ई ठीक डबल है, ए देन आइसोलेट प्रोटीन, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। देन होगा क्रिएटिन, फिश ऑयल, चा एंड ग्लूटामाइन। 5, तो ये आपकी, तो आप इसमें कुछ बोलना चाहेंगे जो इन्होंने 5 हाँ सप्लीमेंट्स फर्स्ट के? स्टार्ट विथ फर्स्ट क्लास प्रोटीन, अच्छा, प्रोटीन, फर्स्ट क्लास प्रोटीन, फर्स्ट क्लास प्रोटीन सेकंड क्लास ओके में, क्योंकि फर्स्ट ओके क्लास में आपके जितने इसेंशियल इम्यून एसिड है सब प्रेजेंट होता है। ओके। तो मैं थोड़ा बहुत आप ले सकते हो, लेकिन डेट मीन्स मैं जाऊँगा फर्स्ट प्रोटीन, सेकंड क्रिएटिन, थर्ड ग्लूटामाइन, फोर्थ फिश ऑयल, फिफ्थ आपका BCAA। BCAA। तो आपके ये 5 फाइव सप्लीमेंट्स सप्लीमेंट्स है। तो मेरे हैं प्रोटीन, क्रिएटिन, मल्टी वाइटामिन्स, फिश ऑयल, और फिफ्थ का मैं सीरियसली, मैं पहले भी सोच रहा था तो मैं श्योर नहीं उस फिफ्थ का, नहीं, बिकॉज आप उल्टा भी यूज कर रहे हो ना, आपको मैं पता अब वो अब डिपेंड पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ना। अब वो जानवर बैठे हैं स्वप्निल भाई, तो उनको ज़रूरत नहीं है ग्लूटामाइन की। तो ऐसे हर किसी को ग्लूटामाइन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन तो अभी अभी मैं क्यों ले रहा हूँ ग्लूटामाइन, फिर बिकॉज पांच मेरी,
बिकॉज मेरी जो कैफीन बोल रहे हैं आपका कैफीन ऐड कर रहा हूँ नहीं कैफीन आप प्री वर्कआउट के तौर पर ले सकते हो क्योंकि लोगों की जरूरत है लोगों के इतना स्ट्रेस बढ़ चुका है ना कि प्री वर्कआउट के लिए लोगों को कुछ लगता है वैसे शेर को शिकार करने से पहले प्री वर्कआउट नहीं लगता लेकिन लोगों को अभी लग रहा है क्योंकि ड्यू टू लाइफ स्टाइल ऐसा हो तो आप मैं अभी आपको काटना चाहूंगा तो आपने मेरा पूछा मतलब की मैं ग्लूटामाइन यूज क्यों कर रहा हूँ क्योंकि मेरी रिकवरी वैसी नहीं है आपने चार नहीं बताया ना एक और बताना पड़ेगा तो मैं फिफ्थ पर अब ग्लूटामाइन को ही रखूंगा बिकॉज अभी मैं वो यूज कर रहा हूँ बिकॉज मैं हमेशा से चार ही सप्लीमेंट यूज करता हूँ फिफ्थ ग्लूटामाइन तो चलिए अभी आप लोग बताइए कमेंट में आके बताइए कि आपके टॉप फाइव सप्लीमेंट कौन सा है तो है कौन सा बेस्ट कंक्लूजन तो बताओ कि ये टॉप फाइव सबसे बेस्ट है अब मैं एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सप्लीमेंट से ही आपकी बॉडी बनने वाली है ऐसा कुछ नहीं अगर आपका नॉर्मल डाइट से अगर सब कुछ पूरा हो रहा है लाइक प्रोटीन इनटेक मल्टी वाइटामिन फिश ऑयल ओमेगा 3 मिल रहा है अगर आपको आपकी डाइट से तो आप लोगों को कोई भी जरूरत नहीं है लेने की अब हम लोग वो क्यों ले रहे हैं बिकॉज हमारी नॉर्मल डाइट से वो पूरा नहीं हो सकता है लाइक मेरा प्रोटीन इनटेक मेरे फूड से नहीं और एक बात ये भी है कि अभी के जो जितने भी फूड या फिर भी जो भी आप खा रहे हो उसमें उतने माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं मिलते तो आपको एडिशन लेना पड़ता है क्योंकि पहले होता था लेकिन जब से मॉडिफाई हुआ है तब से उसमें उतने माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं मिलते जैसे आपने बात किया मल्टीविटामिन्स तो मल्टीविटामिन सभी ना के बराबर मिलते हैं सभी मतलब अगर आप जाओ तो ऑरेंज में विटामिन सी बोलते हैं लेकिन कितना खाओगे आप कितना शुगर इनटेक कर रहे हो आपको कितना विटामिन सी मिल रहा है तो आपको एडिशनल के तौर पे लेना पड़ेगा मुझे जितना तो गाइस आज का वीडियो यहीं तक था और हाँ एक बात बहुत अच्छा बताया जावेद सर ने क्या बताया था लेकिन नहीं कि सप्लीमेंट एक एडिशनल है अगर आप सप्लीमेंट को एज अ सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है एडिशनल तो उसको वैसे ही यूज करना है लाइक 90% तो आपको अपनी मील से ही कंप्लीट करना है दैट्स अ एडिशन पार्ट कि आपको सप्लीमेंट से वो डिपेंड करता है आप लेते हो या ना लेते हो लेगो गुड नहीं लेगो फिर भी ठीक है आपका ओह वाओ क्या बात बोले सप्लीमेंट इज अ निकाले हमारे जावेद सर को जो नहीं वो उनको हम अगले व्लॉग में लेंगे साथ में बाइसेप पिक हाँ तो अभी इनका ऐसा क्यों पता नहीं इनके पीछे क्या राज है हाँ मतलब इनका डाइट बहुत ज्यादा अच्छा है तो क्या राज है क्या चलो तो गाइस आज का वीडियो यहीं तक था तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए और नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं कौन से टॉपिक में बनाएंगे सो थैंक यू फॉर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब